नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं अमन वेलकम करता हूं आप सभी दोस्तों का यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमको अपने बजीज पैरट की कॉलोनी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो तो आपको क्या क्या नुकसान देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने बर्ड सेटअप के अंदर दाना पानी किया और वो चले गए। उनको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही दिक्कत मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। और ये चीज़ें अगर आपके सेटअप में भी हो रही हैं तो आप भी अपने सेटअप को 10 से 15 मिनट अपने सेटअप के अंदर बैठें और उस प्रॉब्लम को नोटिस करें। तो वीडियो साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन भाइयों ने भी अभी तक हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपने बर्ड्स का दाना पानी करें तो 10 से 15 मिनट वहाँ बैठें और वहाँ बर्ड्स की एक्टिविटी नोटिस करें। और जो भी एक्टिविटी में आपको चेंज नज़र आए तो आप वहाँ पर जाकर के तुरंत चेक करें। अब दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको बच्चा नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हो कितना घायल हो चुका है और कितना बुरी तरीके से इन सब बर्ड्स ने मिल करके मारा है। अब मुझे नहीं पता कि इस बच्चे को किस बर्ड्स ने मारा है, बट इनमें से ही किसी न किसी ने इसको मारा है बहुत बुरी तरीके से। और दोस्तों, ये एक बर्ड का काम नहीं होता। जब इस तरीके से बच्चा घायल हो तो ये एक बर्ड का काम नहीं होता, ये लगभग 2 से 3 बर्ड्स का काम होता है, और जो कि एक साथ मिल करके इन इस चिक्स को मारा है। अब दोस्तों, ऐसे बच्चे को आपको किस तरीके से बचाना है? सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसको चोट चेक करनी है, उसको चोट कहाँ कहाँ लगी है। तो जहाँ जहाँ उसको चोट लगी है वहाँ वहाँ उसके अच्छे से हल्दी लगा दें, और ताकि उस बर्ड्स को जो भी मतलब ब्लड वगैरह निकल रहा हो तो उसमें हल्दी और तेल आप लगा दें अच्छे से, जिससे कि दोस्तों बहुत देसी इलाज है और बहुत बढ़िया इलाज है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि उसको मार कौन रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा बर्ड्स मार रहा है जो आपकी कॉलोनी के अंदर बच्चा है या फिर उसके अंडे हैं या अंडे वगैरह नहीं है, तो उस बर्ड्स को अलग कर दें। अगर उस बर्ड्स को अलग नहीं कर सकते तो एक और तरीका ये है कि सबसे पहले आपको ये चीज़ और चेक करनी है कि बच्चा जो है वो सेल्फ है या नहीं। हाँ दोस्तों, ये भी चीज़ आपको चेक करनी है। अगर बच्चा सेल्फ है और बच्चा उतना घायल नहीं हुआ कि वो ना खा सके, अगर वो दाना पानी खा सकता है अच्छी तरीके से, तो आपको क्या करना है, उस बच्चे को उन सब बर्ड्स से अलग रख देना है, जिससे कि वो खुद से खाएगा पिएगा और ख़ुद से अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से रिकवर कर लेगा। अगर दोस्तों आप लोग ऐसा नहीं करोगे, अब जैसे कि मेरे को ही देख लो, अगर मैं इस बच्चे को नोटिस नहीं करता, मैं अपने सेटअप को अगर डेली चेक नहीं करता, तो दोस्तों इस बच्चे का क्या होता कि ये बच्चा जो है वो मारा जाता। हाँ दोस्तों, अगर मैं 1-2 घंटे अपने सेटअप में और नहीं आता तो ये सेटअप, ये बर्ड्स का चिक्स जो है वो 101% मुझे मरा हुआ ही मिलता। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ और वीडियो देखने के लिए हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों तक ऐसी और भी वीडियोस पहुंचती रहे। तो हम मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग बड़ी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।